अब पत्नी अगर पानी पी ले तो इस दिन पतियों को दिक्कत हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं। यह तो हमने यूं ही कहा है। आने वाले दिन देश भर में पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं। इसी को लेके करवा चौथ से एक दिन पहले सागर के एक मशहूर ज्वेलर शॉप रूम आजा में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों की पत्नियां पहुंची। कार्यक्रम था साजन की सजनी के हाथों में करवा चौथ के दिन गजब की मेहंदी। अजा ज्वेलर्स में मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया, जहां सागर की महापौर संगीता तिवारी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पत्नी सबिता गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेन जैन की पत्नी अनुश्री और अनिल तिवारी की पत्नी प्रतिभा तिवारी ने इस मेहंदी के कार्यक्रम में शिरकत की। अजा ज्वेलर्स जो खुला है, ये हमारे सागर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं सभी इसके जो जिन्होंने खोला है, जो हमारे भैया लोग हैं तिवारी जी, सारी तिवारी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारी शिल्पा तिवारी जो इन्होंने प्रयास किया कि कोई भी लोग बाहर जाने के लिए, जैसे भोपाल जाते, इंदौर जाते, ये चीज़ मतलब बाहर जो लोग नहीं जा पाते, तो हमारे सागर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इन लोगों ने इतनी बढ़िया सोच जो अपने अंदर लाए हैं कि अपन लोग क्यों नहीं इतना सुंदर शोरूम खोले कि जो यहाँ के लोग बाहर जाने के लिए नहीं जा सकते, तो यहाँ से सारी सुविधा, चाहे हार हो, चाहे चौकर हो, चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे चांदी का कोई भी आइटम हो, एक से एक मैंने अभी ऊपर से नीचे तक देखा तो उसमें काफ़ी बदलाव देखा कि यहाँ भी बहुत अच्छी डिजाइन, अच्छी बढ़िया फैशन जो आज का युग चाहता है, जैसे आज की बहू बेटियाँ चाहती हैं कि हम लोग नए नए लुक में डिजाइनर चीज पहने और ज़्यादा हैवी ना पहन के हल्की चीज पहने जो सोबर लगती हो, तो हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये जो हमारे आजा ज्वेलर्स भैया लोग लेके आए हैं, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था और हमारे तो बाजू में ही खुल गया है। जैसे किसी को गिफ्ट देना हो, किसी को आजकल शादी में जाओ तो खाली हाथ तो कोई जाता नहीं है, कोई ना कोई छोटी गिफ्ट हो या बड़ी गिफ्ट हो तो हम लोग लेके जा सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट सवाल, अच्छा जो सागर को, सागर के लोगों को एक बहुत अच्छा ज्वेलरी शॉप मिला है, इसके लिए सहमा सागर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। अजा ज्वेलरी के परिवार ने एक बड़ा अच्छा आयोजन किया, क्योंकि कल करवा चौथ है और श्रृंगार का महत्व होता है, तो आज सबका साथ में बैठ के हम लोगों ने सामूहिक तौर पे मेहंदी लगवाई है और सबको सौभाग्यवती होने का एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। और आज हमें अवसर मिला अजा ज्वेलरी घूमने का, तो मुझे ऐसा लगता है जितनी वैरायटी और बच्चों से लेके एक सीनियर सिटीजन तक के लिए जो डिज़ाइंस जैसे पसंद आते हैं, चाहे वो बच्चियाँ हों जिनको सिल्वर में क्रिस्टल के डिज़ाइंस पसंद आते हों, चाहे वो थोड़े सीनियर लोग हों जिनको आर्टिस्टिक डिज़ाइंस और थोड़े से पुराने ज़माने के डिज़ाइन पसंद आते हो, मेरे ख्याल से बहुत वैरायटी है और अजा ज्वेलरी बहुत अच्छा सागर में करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करके जा रहे हैं। आज हम अपने सागर की महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं, जो अजा ज्वेलर का ये दुकान खुला हुआ है, शॉप है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर हर तरह की वैरायटी है। यहाँ पर 16 श्रृंगार के सारे 16 श्रृंगारों में जो जो सामग्री का, जो जो हम महिलाएं पहनते हैं, सभी कुछ यहाँ आपको मिलेगा। आप सब ज़रूर इधर आइए और शॉपिंग कीजिए, बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पर लाया गया है। बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छा है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी है, और जो हम ज्वेलरी पहनकर अपने लिए कंफर्टेबल रख सकते हैं उस तरह की ज्वेलरी यहाँ पर हमने देखी है। तो सभी से हम ये कहना चाहेंगे आप सब आएं और यहाँ पर जरूर विजिट करें। आज यहाँ ज्वेलर्स पर सविता गोविंद सिंह राजपूत ने एक अंगूठी अपने पति जी के लिए पसंद की है। अब मंत्री जी, आप भी भाभी को एक बड़ा सा नेकलेस दिलवाएं।
नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वहीं अनुश्री के हाथों में मेहंदी रचाई गई। वहीं सविता सिंह प्रतिभा तिवारी के साथ संगीता तिवारी ने भी मेहंदी रचाई और अन्य महिलाओं ने संगीत के साथ करवा चौथ से एक दिन पहले जबरदस्त जश्न मनाया। कुछ तस्वीरें लगातार देखते रहे।